बिहार विधानसभा की दो सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव को लेकर महागठबंधन की लड़ाई फिलहाल शांत होती हुई नजर नहीं आ रही है। जहां एक तरफ तेजस्वी यादव दोनों ही सीट पर जीत का दावा कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस अब राजद के ऊपर बड़ा प्रहार करती हुई नजर आ रही है। नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है और आप DTW24 न्यूज देख रहे हैं। तेजस्वी यादव कुशेश्वर स्थान और तारापुर दोनों ही सीट से जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं बिहार के कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने दिल्ली में एक बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि राजद ने पीठ में छुरा भोंका है और बिना उनसे बातचीत किए अपने उम्मीदवारों को उतार दिया, इसलिए कांग्रेस भी दोनों ही सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। और अब कांग्रेस ने यह दावा किया है कि कांग्रेस कुशेश्वर स्थान से जीत रही है, जिस पर राज्यसभा सांसद मनोज झा ने भक्त चरण दास को खूब खरी खोटी सुनाई। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मनोज झा। इंटरव्यू आ ही गया, यहाँ गया, वो हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण दोनों है। हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए कि उनको न बिहार के सामाजिक आर्थिक परिस्थिति की समझ है, न यहाँ के राजनीतिक इतिहास की समझ है, न लालू जी और राष्ट्रीय जनता दल की कुर्बानियों की समझ है। ऐसे कोई टिप्पणी फूहड़ ढंग से कर दे जिसको इस बात का अंदाजा ना हो कि हमने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और किस प्रकार की प्रताड़नाएं झेली हैं, तब उस पर आपकी टिप्पणी। अपने लोगों से पूछिए, प्रभारी होने से पहले आपको संभवतः किसी ने ब्रीफ भी नहीं किया कि क्यों परेशान थे तेजस्वी जी के एक एक मीटिंग के लिए, क्या क्या परिस्थितियां थी कि वो परेशानी बेबसी में कहते थे एक मीटिंग रख दो। आपको इस प्रकार के जनुभार की समझ होनी चाहिए, अन्यथा प्रभार लेने का मतलब ये नहीं है कि आप उस पार्टी की लुटिया डुबो दे। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा कि अगर बातचीत हो तो ये भी ध्यान रहना चाहिए, भक्त चरण दास जी आपके कई मुख्यमंत्री थे लेकिन गिरफ्तारी आडवाणी जी के रथ यात्रा के दौरान बिहार में लालू जी ने की थी। हिम्मत क्यों नहीं थी, जज्बा क्यों नहीं था, तेवर क्यों नहीं था? हम पर टिप्पणी करने से पहले आईना सामने रखिए। और रही बात गठबंधन धर्म की, हमसे ज्यादा किसी ने नहीं निभाया है। सुख में भी रहे हैं कांग्रेस के साथ, दुख में भी, दुख में ज्यादा रहे हैं। और अभी गठबंधन धर्म का ध्येय है कि किसी भी प्रकार भाजपा जदयू को शिकस्त देना, और वो हम आपको देख के दिखाएंगे। हाँ, लेकिन इतना आग्रह आपसे पुनः करते हैं, प्रभार लेने से पहले, प्रभारी कहलाने से पहले थोड़ी बहुत यहाँ की समझ रखिए, राजनीति की समझ रखिए। ड्राइंग रूम में बैठ करके जमीनी हकीकत आप नहीं समझ पाएंगे। वो कल उद्रवाल था, 16 तारीख को उद्रवाल नहीं किया कुशेश्वर स्थान में, जो कांग्रेस का ट्रेडिशनल सीट थी, उसमें अगर आरजेडी विद्रोह कर दिया होता तो समझौता बनी रहती, वो एक में लड़ते, हम एक में लड़ते और दोनों सीट गठबंधन जीतता। अब कांग्रेस अकेले लड़ रही है और अकेले दो सीट जीतेगी, उसकी तैयारी में हम। क्या वजह लगती है सर, आरजेडी ने जिस तरीके से साथ छोड़ा अपने पुराने एलआई का, उसके पीछे क्या आपको रणनीति या आरजेडी की क्या वजह लगती है? वो क्या सोचे, उनका तर्क है कि कुशेश्वर स्थान पिछले 5 बार से हमारे ट्रेडिशनल सीट रहा है, उसमें हम पिछले चुनाव में नहीं जीत पाए और उसमें वो जीत सकते हैं, वो हम और तुम क्यों कर रहे हैं? जब हम गठबंधन में हैं तो हमारा सीट था, हमारा सीट में कांग्रेस को भी वो जीता के उनका होता, एक जीतता तो उनका होता, अभी तो 19 उनके साथ थे ना हम। अब हम 19 एम विधायक को उन्होंने महत्व क्यों नहीं दिया? इसका मतलब है जिस विचारधारा से, जिस सांप्रदायिकता विरोधी विचारधारा से, सेकुलर विचारधारा से लेफ्ट आरजेडी और कांग्रेस का एक था, उस विचारधारा से आप हट गए हो तो आपका समझौता किससे हुआ है? आप 19 विधायक का समर्थन जरूरत नहीं है तो किसका समर्थन आपको प्राप्त है? सरकार बनाओगे तो हमारा 19 का समर्थन चाहिए था ना, एक जीतता तो 20 आपका होता ना, तो आप ऐसा क्यों किया? इसके पीछे कोई राजनीतिक चाल जरूर है, इसमें कोई एक है जो आप खुल के नहीं कह पा रहे हो। अब चुनाव के बाद कोई आपका साजिश हो सकता है कि आप उनके साथ जाओगे, जिस ताकत के खिलाफ हम सब लोग एक हुए थे उस शक्ति के साथ आप जाने वाले हो, यह स्पष्ट होता है। आपका इशारा बीजेपी की तरफ है कि आरजेडी बीजेपी से हाथ मिला सकती है या पर्दे के पीछे बातचीत करने की वजह से? मेरा सवाल फंडामेंटल है कि मेरा 19 एमएलए को आपने जब जरूरत नहीं है तो किसका जरूरत आपको है? ये तो चुनाव राजनीति है, गणित की बात है। तो और दूसरा किसका तो होगा, वो कौन हो सकता है? आज के दिन जिस पार्टी के खिलाफ हम लोग सब एक हुए थे वो पार्टी हो सकता है।